क्या 18 वर्ष से कम के बच्चों को आपसी सहमति से यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति होनी चाहिए? भारत का जस्टिस डिलीवरी सिस्टम लंबे समय से इस प्रश्न से जूझ रहा है। अभी यौन संबंधों के लिए सहमति की आयु या एज ऑफ कंसेंट 18 वर्ष है। कुछ लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है। 18 वर्ष से कम के दो लड़के या लड़की यदि आपसी सहमति से भी संबंध बनाते हैं तो पॉक्सो के अंतर्गत बाल यौन शोषण का अपराध माना जाता है। इसलिए सहमति की आयु को 14 या 16 वर्ष कर देना चाहिए। विधि आयोग ने कहा है कि 16 वर्ष या अधिक आयु में सहमति से यौन संबंध बनाने की छूट दी जा सकती है। ऐसा करने वाले जोड़े की आयु में 3 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात 16 वर्ष की लड़की और 19 वर्ष का लड़का सहमति से यौन संबंध बना सकेंगे। सहमति की उम्र तकनीकी रूप से कहने को 18 वर्षीय रहेगी, लेकिन इसके ढेर सारे अपवाद होंगे जिसका समाज पर अत्यंत घातक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाली 16 से 18 वर्ष की बेटी अपने किसी दोस्त के साथ यौन संबंध बनाती है तो माता पिता कानूनी रूप से उसे रोक भी नहीं पाएंगे। अभी ऐसे केस में पॉक्सो के अंतर्गत कार्रवाई होती है। बॉम्बे और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सहमति की आयु 16 वर्ष करने की बात कह चुके हैं। वर्ष 2022 में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा था कि सहमति की आयु 18 से घटाकर 16 करने पर संसद को विचार करना चाहिए। यौन संबंधों के लिए आपसी सहमति की न्यूनतम आयु घटाने को लेकर ये विचार क्यों जताए जा रहे हैं हम नहीं जानते। हो सकता है कि न्यायालयों और न्यायविदों को पॉक्सो कानून के दुरुपयोग की चिंता हो, लेकिन दुरुपयोग तो कई अन्य कानूनों का भी हो रहा है। हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते कि हमारे ही समाज में कई ऐसे गिद्ध भी पाए जाते हैं जिनकी बुरी नजर विशेष रूप से बच्चों पर होती है। ये एक प्रकार का मनोरोग है। कुछ ऐसे मजहबी समुदाय भी हैं जिनमें इस प्रवृत्तियों को मान्यता दी जाती है। वर्ष 2021 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के चर्च में 70 वर्षों में पादरियों द्वारा 3,30,000 से अधिक बच्चों का यौन शोषण किया गया। कुछ समुदायों में 60 वर्ष के बूढ़े और 6 वर्ष की बच्ची की शादी भी स्वीकृत हो जाती है। एक बड़ा उदाहरण असम है, जहां बाल विवाह के हजारों केस दर्ज होते हैं। विधि आयोग ने भी माना है कि सहमति की आयु कम की गई तो बाल विवाह की घटनाएं तेज हो सकती हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों से भारी संख्या में मनोविकृत लोग भारत जैसे देशों में बाल यौन शोषण के लिए ही आते रहे हैं। इनमें से अधिकांश मिशनरी स्कूल या अनाथालय की आड़ में ये घृणित कार्य करते हैं। अगस्त 2023 में ब्रिटिश नागरिक मैथ्यू स्मिथ को 12 वर्ष की जेल हुई है। वो लंदन में बैठकर भारतीय बच्चों का सेक्स रैकेट चला रहा था। मैथ्यू स्मिथ के मोबाइल फोन से 1,20,000 भारतीय और नेपाली बच्चों के आपत्तिजनक चित्र पाए गए। वर्ष 2007 से 2014 तक वो भारत में रहकर अनाथालय की आड़ में बच्चों का शिकार करता रहा। वर्ष 2014 में भाजपा सरकार बनते ही वो नेपाल भाग गया। मैथ्यू स्मिथ एक लौता नहीं, ऐसे ढेरों विदेशियों द्वारा बाल यौन शोषण के आरोप सामने आते रहे हैं। केरल के मल्लापुरम में इसी प्रकार का एक रैकेट वर्ष 2021 में पकड़ा गया था, जहां बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों का यौन शोषण चल रहा था। इनमें छात्र और छात्राएं दोनों थे। इनमें से कुछ तो 10 वर्ष से भी छोटे थे। उनके आपत्तिजनक वीडियो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से हाई प्रोफाइल देसी विदेशी ग्राहकों तक पहुंचाए जाते थे। इस रैकेट का सरगना शराफ अली नाम का एक व्यक्ति था। अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन मैन एंड बॉय लव एसोसिएशन। यह संस्था अभियान चलाती है कि सहमति की आयु की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होनी चाहिए। ऐसी संस्थाओं के कई मौन और कुछ मुखर समर्थक अपने देश में भी हैं।
सहमति की उम्र में किसी भी प्रकार की ढील या अपवाद से हमारे समाज और परिवार व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहमति की उम्र 18 साल से कम करने का कोई भी प्रयास घातक होगा। निश्चित रूप से ये उन्हीं शक्तियों द्वारा समर्थित है जिनके प्रयासों से भारत में अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमति दिलाई जा चुकी है। उनका विरोध आवश्यक है ताकि हम अपने बच्चों को मनोविकृत सफेद पोष शिकारियों से बचा सकें।